केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को बताया कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में कोविड रोधी एकल खुराक वाले टीके स्पुतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद ये कदम उठाया गया है। सिफारिश में विभिन्न नियामक प्रावधानों के तहत स्पुतनिक लाइट के सीमित आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने को लेकर सुझाव दिया गया। स्पुतनिक लाइट पूरी तरह स्पुतनिक डी के घटक एक के समान है। मांडविया ने ट्वीट किया, डीसीजीआई ने भारत में कोविड 19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के एकल खुराक के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। ये देश में नौवा टीका है। मंत्री ने कहा कि इस टीके से कोरोना वायरस के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को मजबूती मिलेगी। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 31 जनवरी को एक बैठक के बाद विषय विशेषज्ञ समिति SEC की सिफारिशों के मद्देनजर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक लाइट टीके का आयात करने की अनुमति देने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर रेड्डीज ने सीमित आपातकालीन उपयोग और बूस्टर खुराक टीकाकरण के लिए टीके की प्रभावशीलता और सुरक्षा से संबंधित आंकड़ा भी पेश किया। कंपनी ने बताया कि स्पुतनिक लाइट टीका रूस और अर्जेंटीना सहित 29 देशों में स्वीकृत है। कुछ वक्त पहले सामने आए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्पुतनिक वी टीका और इसकी एक खुराक वाले स्पुतनिक लाइट बूस्टर टीके ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदर्शित की है। गामेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी तथा रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने स्पुतनिक बी टीकाकरण के बाद स्पुतनिक लाइट बूस्टर SARS-CoV-2 के स्वरूप B1.1529 ओमिक्रॉन के प्रति एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के प्रति अत्यधिक न्यूट्रल शीर्षक वाले आलेख में कहा था कि टीके से गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिलती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।